खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि करनाल के गांव उचाना के किसान नरेंद्र चौहान ने अपने खेतों में उगा डाले सेब। जी हां, आप देख सकते हैं गांव उचाना की यह तस्वीरें, इसलिए इस खबर को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश भर के किसानों तक यह मैसेज जरूर पहुंचे। गांव उचाना के किसान नरेंद्र चौहान बागवानी में नए नए प्रयोग कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अपने प्रयोग से बाग में सेब और बादाम भी उगा रहे हैं। सेब का नाम लेते ही शिमला, कश्मीर और कुल्लू जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के नाम जहन में जरूर आते हैं, जहां इसकी उम्दा फसल स्वाभाविक तौर पर ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है। गर्म और मैदानी इलाकों में सेब की फसल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन हरियाणा के एक किसान ने करनाल में सेब के पौधे लगाए। गांव उचाना के किसान नरेंद्र चौहान बागवानी में नए नए प्रयोग कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अपने प्रयोग से बाग में सेब और बादाम भी उगा रहे हैं। 14 एकड़ में लगे बाग में किनू, अमरूद, आम, लीची व चीकू लगाए हुए हैं। किसान का कहना है कि उसे प्रति एकड़ 1 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी हो जाती है। किसान नरेंद्र कर रहे नए नए प्रयोग क्योंकि सेब के बाग हिमाचल और कश्मीर में ही है, हरियाणा में कहीं भी सेब नहीं होता, लेकिन हरियाणा के किसान ने एक नया प्रयोग कर सबको चौंका दिया है। किसान नरेंद्र ने बताया कि उन्होंने 4 साल पहले यह सेब के 227 पौधे लगाए थे, जिसमें अब फल आना भी शुरू हो गया है। किसान ने बताया कुछ फल पिछले साल आए थे, लेकिन इस बार पेड़ों पर ज्यादा मात्रा में सेब लगे हैं और अच्छे परिणाम आए हैं। हिमाचल में पालमपुर यूनिवर्सिटी ने तैयार की थी यह पौध। किसान नरेंद्र चौहान ने बताया कि हिमाचल में पालमपुर यूनिवर्सिटी ने सेब की एक ऐसी पौध तैयार की है जो निचले इलाकों में ज्यादा तापमान में भी फल देती है। हिमाचल यूनिवर्सिटी से जानकारी जुटाने के बाद इस नमूने के पौधे लाकर यहाँ विशेष तौर पर लगाए गए थे, जो आज काफी अच्छा फल देते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। लवली नर्सरी में, जहां पर हम आपको बता दें कि उचाना के किसान ने यहां पर सेब उगाए हैं, जो अपने आप में अगर सेब की बात की जाए तो सबके जहन में पहाड़ी इलाके आते हैं, चाहे शिमला हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कुल्लू हो, इन सबको याद किया जाता है जबकि सेब की बात की जाती है। लेकिन आज हम आपको बता दें कि करनाल में, जहां पिछले 2 साल पहले किसान नरेंद्र चौहान ने जो है यहाँ पर सेब के पेड़ लगाए थे, उसमें अब फल आ चुका है। आप इसे लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी अच्छा फल यहाँ पर आया अपने आप में। बहुत ही बड़ी बात है कि हरियाणा के पहले किसान हैं जिन्होंने हरियाणा में सेब के पेड़ लगाए। 227 पौधे जो है इन्होंने लगाए थे, जो कि अब एक पेड़ बन चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना फल यहाँ पर आया है। हमारे साथ यहाँ पर किसान जो है वो मौजूद है। एक बार मैं उन्हीं से जानना चाहूंगी किस तरीके से उन्होंने, सर आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपके मन में आया कि आपने सेब के पौधे लगाने हैं, क्योंकि सेब की बात की जाए हमेशा पहाड़ों का ख्याल आता है कि ठंडे इलाके में सेब जो है उगते हैं। यहाँ पे आपने किस तरह से सोचा कि आपने यहाँ पर लगाने हैं और एक सक्सेसफुल रेट पर वो जो है बड़े भी हुए? ऐसा है कि मैंने पहले 96 में यहाँ पे बादाम तैयार किया था, एक सोच को लेकर के, क्योंकि जम्मू के पास अखनूर एरिया में 46 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और वहाँ पे बादाम हो रहे थे, तो वहाँ से कटिंग ला के मैंने बादाम तैयार किया। फिर मुझे पता लगा भी पालमपुर यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी वैरायटी निकाल ली है जो हाई टेम्परेचर में 50 डिग्री तक टेम्परेचर सहन कर सकती है और लो एरिया में हो सकती है। जैसे मुझे पता लगा इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी ली और वहाँ से मैं 227 पौधे लाया यहाँ पर, तैयार इनको लगाया, अच्छे से इनकी देखभाल की। पिछले साल इन पर कोई आज सेब आया था, अब की बार इन पे अच्छे खासे सेब आए हैं, जबकि 3 ही साल पूरे हुए हैं, और अगले साल से मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे भर के, जैसे जम्मू कश्मीर में आते हैं, हिमाचल में आते हैं, वैसे हमारे हरियाणा में भी इन पौधों पे सेब लगेंगे और हरियाणा के किसानों की जो बुरी गति हो रही है उससे वो बाहर निकल पाएगा। पानी की समस्या से हम जूझ रहे हैं, इसके अंदर पानी की बहुत कम मात्रा लगती है और हमारी सरकार ने 80% सब्सिडी पे ड्रिप लगाने का जो प्रोग्राम जिम्मेदारों के लिए बनाया, मैं अभी इनमें ड्रिप भी लगवाने जा रहा हूँ सरकार की सहायता से। सर, सेब और बादाम के अलावा और कौन कौन से फलों की जो है यहाँ पर आप खेती करते हैं, उस बारे में क्या कुछ बताएंगे? वैसे तो यहाँ पे मेरे पास आम की कम से कम 11-12 वैरायटी है, अमरूद है, किन्नू है, आड़ू है, बबुगोसा, नाशपति, चीकू, लीची, ये सारे हैं, और फालसा विशेष करके, जिसको जो कि हमारा हरियाणवी क्या हिंदुस्तानी फल है,
जिसमें गुण सबसे ज्यादा हैं। कोई भी फल लीवर की गर्मी को नहीं निकालता डायरेक्ट खाने पे। एक फालसा ऐसा फ्रूट है जिसको अगर हम लीवर के मरीज को दें तो उसके लीवर की जो बीमारी है वो बिना किसी दवाई के भी ठीक हो जाती है। उसके इतने गुण है, उसको भी मैं डेवलप करता जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, जैसा कि सर ने बताया, यहाँ पर सेब के पौधे जो कि 2 साल पहले जो है इन्होंने लगाए थे और किस तरीके से काफी अच्छे फल जो है वो यहाँ पर आए हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और ना केवल सेब बल्कि बादाम हो, चीकू हो, अमरूद हो, आम हो, कई ऐसी वेरायटी और वो भी अच्छी वेरायटी के फ्रूट जो है इन्होंने यहाँ पर अपने जो इनकी दिली तमन्ना थी कि ये लोग इसी तरह से जो है अलग अलग पौध लगाए, काफी अच्छी वेरायटी जो है वो लेकर आए अपने शहर के लोगों के लिए, उसे जो है ये हर साल जो है बढ़ाते गए। अपने आपने आप देखा किस तरह से इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ने जो पौधा बनाया जो कि कम टेम्परेचर में भी जो है फल दे सकता है, वो किस तरह से यहाँ पर लेकर आए। 227 पौधे जो है इन्होंने आम के लगाए जिन्होंने अब इतने अच्छे फल दिए, जिसके हमने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई। आप खुद देख सकते हैं हरियाणा में करनाल में इस तरह से सेब के पेड़ जिसमें अपने आप में बहुत अच्छा फल आया। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से आज हमारे साथ एक ऐसे किसान मौजूद हैं जिन्होंने एक करिश्मा कर दिखाया है, नामुमकिन चीज को जो है मुमकिन कर दिखाया है। सेब जिसका नाम लेते ही हमारे जहन में या तो जम्मू कश्मीर या फिर कोई भी ठंडा इलाका आता है, उन्होंने सेब जैसे जो फल है उसको हरियाणा में उचाना गाँव में उगा कर दिखाया है। वही हमारे साथ सर मौजूद है, उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी कड़ी लगन और मेहनत से आपने ये जो है मुमकिन कर दिखाई है जो कि एक नामुमकिन चीज थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अगर किसान मेहनत करे और सोच अच्छी रखे तो वो अपने एग्रीकल्चर में भी नए से नया कर सकता है। उसी सोच को लेते हुए मैंने ये बादाम के बारे में, पहले बादाम 96 में तैयार किया था, उसी सोच को लेते हुए मैं सेब के बारे में जानकारी हासिल करता रहा। जब मुझे पता लगा कि पालमपुर यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी वैरायटी निकाली है जो लो एरिया में हाई टेम्परेचर में हो सकती है, तो मैं पालमपुर यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से मैंने पता किया। जिस फार्मर ने तैयार की थी, हरिमन शर्मा, मैं उसके पास भी गया, वहाँ से फिर पौधे ला करके मैंने यहाँ लगाए। जब तक मेरे फार्म पे फल नहीं आया, मैंने किसी भी किसान को नहीं कहा कि यहाँ लग सकते हैं। जब मेरे पिछले साल मेरे फार्म पे ही थोड़े बहुत सेब लगे, तब मुझे विश्वास हो गया। मैंने फार्मर्स को दिखाए और बताया भी यहाँ सेब हो सकते हैं। अब की बार पहली बार इस पर अच्छा सा फल आया है 3 साल के बाद, और अगले साल सारे पौधे पूरी तरह भर के फल आएगा, क्योंकि अब की बार नीचे नीचे ही फल लगा है। तो सर, इतनी अच्छी जो आपको ये रिजल्ट मिला है, इस फसल के पीछे कहीं ना कहीं नॉलेज काफी ज्यादा होनी जरूरी है, तो क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे उन सब किसानों को जो कहीं बार अगर फसल अच्छी ना हो तो निराश हो जाते हैं, उन्हें क्या कुछ एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगे? देखो, फसल कभी भी खराब नहीं होती। अगर कोई आपदा आ जाए, जैसे ओले पड़ गए इस तरह का है, या कोई आग वगैरह लग गई, तो फसल खराब हो सकती है। अगर हम टाइमली ध्यान दें तो फसल कभी खराब नहीं होती। अगर खराब होएगी तो हमारे जो ये आजकल दवाइयों वाले आ रहे हैं ना, नए से नए, भाई ये दवाई डाल दो, वो दवाई डाल दो, अलग अलग खाद पे कोशिश करते रहते हैं ज्यादा प्रोडक्शन लेने की, तब फसल खराब होती है। मैंने आज तक इन अपने सेब के पौधों पे ना तो कोई दवाई डाली है और ना किसी तरह का केमिकल रूप में कोई खाद दिया है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से मैंने पैदा किया है। वर्मी कंपोस्ट ही मैं साल में 2 बार डालता हूँ, एक बार बरसात से पहले और एक बार दिसंबर में, और अच्छी तरह मेरे फल, कोई बीमारी नहीं है, अच्छे स्वस्थ चल रहे हैं। सिर्फ ये है कि मैं अब की बार मुझे महसूस दिया कि इन पे मुझे नेट लगाना चाहिए था, क्योंकि सेब के थोड़े पौधे हैं और पक्षी को भी इनको खाने को दिल करता है, और पक्षियों ने बहुत ज़्यादा 80% मेरे सेब काट काट के नीचे डाल दिए हैं।
हर रोज काटते हैं, अगली बार मैं इन पे नट लगाऊंगा, नट लगाने के बाद अच्छे से इन पे फल लगेगा। तो ये थे हमारे साथ सर, जिन्होंने बताया कि इस तरीके से सच्ची लगन और कड़ी मेहनत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि इस तरीके से पालमपुर यूनिवर्सिटी ने एक इस तरीके की वैरायटी निकाली जिससे सेब जो है गर्म टेम्परेचर में भी उगाए जा सकते हैं। आखिरकार उनकी 3 साल की मेहनत आज रंग ले ही आई। तो हमारी आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि जितने भी फार्मर्स देख रहे हैं उन तक कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइम टू टाइम जैसे सर ने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया और उनका आज उनको एक फल जरूर मिला। एक्सपेरिमेंट्स करना ही जरूरी नहीं है लेकिन एक सही नॉलेज के साथ एक्सपेरिमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो हमारी आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सर ने जो ये एक अच्छी कोशिश की है उसे कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिलना काफी जरूरी है। नीरा वाटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। उचाना गांव में जहां पर एक किसान नरेंद्र चौहान ने सेब के पेड़ लगाए हैं। अगर सेब की बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर ही सोचा जा सकता है कि ठंडी जगह पर सेब उगेंगे, पर नरेंद्र चौहान एक नई सोच के साथ उन्होंने यहां पर करनाल में सेब लगाए हैं और इतनी गर्मी में भी और इतने सारे सेब का उगना, वो हमेशा एक नई सोच के साथ आते हैं। उसी जैसे कि इस बार उन्होंने सेब के पेड़ लगाए हैं, उसी तरह 1996 में उन्होंने बादाम के पेड़ लगाए थे। साथ यहां पर काफी सारे फ्रूट्स भी हैं जैसे कि फालसे, आड़ू, चीकू। फालसे जो कि गर्मी में काफी ज्यादा लिवर में से गर्मी निकालने का काम करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ सेब ही नहीं, यहाँ पर और भी काफी सारे फ्रूट्स हैं और यहाँ पर उन्होंने सारे किसानों के लिए ऐसी फैसिलिटीज रखी हैं जो कि यहाँ पर और भी पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं और वो यहाँ पर उनके लिए अवेलेबिलिटी दिखाएंगे। और आप सबसे यही अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।